एक छोटे सा किरदार है मुल्ला नसरुद्दीन। एक दिन बारिश में भीगते जा रहे थे, छाता था नहीं, खूब बारिश हो रही थी। गांव का मुखिया उधर से आया, क्या आप कर रहे हो? बोले, गीले हो रहे हो, बारिश हो रही है। अब मुल्ला को ये बताने में शर्म आ रही थी कि भाई छाता नहीं है और अभी हैसियत भी नहीं है छाता खरीदने की। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं ये एक प्रयोग है, ये ध्यान का प्रयोग है, ये आध्यात्मिक प्रयोग है, ईश्वर बरसा रहा है और तुम छाता लेके घूम रहे हो, बड़े मूर्ख। ईश्वर बरसा रहा है तो लेना है, इसको ले देना है। अब उसको मुखिया को बात समझ में आ गई कि ये कोई आध्यात्मिक प्रयोग है। मुल्ला के सामने तो बिल्कुल अच्छा बनता गया, घर गया, घर जाके छतरी रख दी और जब सारे घर वाले सो गए तो बाहर बारिश में जाके खड़े हुए। एक घंटा हो गया, दो घंटा हो गया, कपड़े गीले हो गए, ठंड लगने लग गई, चौथे घंटे में बुखार आ गया, खड़े नहीं रहते बना, गिर पड़े, वापस जाके अंदर सो गए। दो दिन तक आराम करते रहे क्योंकि बुखार चढ़ा था, बुखार उतरा तो डंडा लेके नसरुद्दीन के पास कि क्या 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 बकवास से बात करते हो, काहे का आध्यात्मिक प्रयोग, मेरे को दो दिन बुखार आ गया। तो मुल्ला ने पूछा, हुआ क्या था? एक घंटा हो गया, बोले खड़े बारिश में, दो घंटा हो गया, तीसरा घंटा हो गया और चौथे घंटे में मेरे को समझ में आया कि मैं कितनी मूर्खता कर रहा हूँ। नसरुद्दीन बोले, पहले प्रयोग में इतनी बड़ी बात समझ में आ गई? लोग पूरी जिंदगी निकालते हैं और समझ में नहीं आता कि मैं मूर्खता कर रहा हूँ।